हेलो गाइस, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं टेकूब। और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे मी 11 अल्ट्रा के बारे में। शाओमी का इतना महंगा डिवाइस पहली बार रिव्यू कर रहा हूं मैं, तो आपका मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ग्रैब योर पॉपकॉर्न या फिर चखना भी ले सकते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ जाके हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भाई 70,000 रुपया शाओमी के ऊपर खर्चा करना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इसीलिए इस वीडियो को मैंने इतने ज्यादा डिटेल में बनाया। तो यह है मी 11 अल्ट्रा का डिब्बा और बॉक्स को अगर आप देखोगे तो हल्की सी डाइटिंग करा दी है, लेकिन ये आईफोन वाला डाइटिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो आईफोन भाई फिटनेस किंग है बेसिकली। सबसे पहली बात, इसको अनबॉक्स करते हैं। अच्छा प्रीमियम बॉक्स है यार। और सबसे पहले आपको मिलेगा सिम इजेक्टर टूल और बॉक्स के अंदर से निकला पेपर डॉक्यूमेंट, और ये है इसका केस। इस केस का पहला रिएक्शन देख के जो आपको लगता है ना, उसका इमोजी कमेंट करो यार। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा, और फ्लैगशिप फ़ोन के हिसाब से बहुत ही घटिया क्वालिटी का केस है। मतलब कि वही 18,000 वाला फ़ोन वाला केस है, कोई बात नहीं भाई। और ये रहा हमारा फ़ोन जिसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है मी 11 अल्ट्रा। कितना ज़्यादा बड़ा कैमरा है, लिटरली कैमरे के साथ फ़ोन दे दिया है शाओमी वालों ने। और अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से बैलेंस हो रहा है, और आगे की तरफ से झुका हुआ है ये। वैसे इस फ़ोन को मैंने 2 दिन तक यूज़ किया है, और फ़ोन को यूज़ करते वक्त लिटरली हाथ में दर्द हो जाता है बिना केस के, और केस के साथ ये मोटा फ्लैगशिप फ़ोन है। वैसे डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसका जो फ्रेम है वो भी पूरा मेटालिक है, और बैक पूरा गिलास है भाई, अच्छा वाला गिलास है बेसिकली ये। और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है इसके अंदर, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला है। तो पूरा फ्लैगशिप फ़ोन वाला एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैंने OnePlus 9 Pro रिव्यू किया था, और उसके सामने ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रीमियम फ़ोन है। लेकिन भारी फ़ोन है तो मेरे को ऐसे डाउट है कि टूट सकता है भाई, क्योंकि भारी फ़ोन गिरता है तो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। एकदम मेटालिक बटन है भाई, और एकदम मस्त ग्रिपी वाला फील देता है, तो मेरे को अच्छा लगा है डेफिनेटली। वैसे मेरे पास चाइनीज वेरिएंट है, और चाइना से मुझे याद आया, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का यूज़ करें, मोबाइल पर भी, अपने हाथों पर भी। और सैनिटाइजर से मेरे को याद है कि वाटरप्रूफ भी है, IP68 की रेटिंग। पानी में डालो 30 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका एक व्हाइट कलर भी आता है। वैसे मेरे को ब्लैक वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है, मतलब कि ग्लॉसी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा दिखता है। और मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि इंडियन वेरिएंट इसे खरीदूं मैं, 70,000 प्राइसिंग है उसकी। तो ये थी बिल्ड क्वालिटी की बात। अब बात करते हैं चाइना वाले वेरिएंट में। 67 वाट का फास्ट चार्जर है, और पहली बार मैंने 67 वाट का शाओमी का चार्जर देखा है, तो इसकी भी टेस्टिंग कर लेंगे। अभी के लिए अनबॉक्स कर देते हैं। चार्जर की पैकेजिंग तो एकदम गजब से की हुई है। यहाँ पे बड़ा बड़ा 67 वाट लिखा हुआ है, और इसका जो डेटा केबल है Type-A to Type-C है इसके अंदर। इंडियन चार्जर हल्का सा अलग होगा। इसको चार्ज करके देखेंगे, अभी फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो ये शाओमी का ये नया वाला लोगो है इसके में। इसका एमोलेड पैनल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, और MIUI है इसके अंदर। ऑफकोर्स काफ़ी फास्ट ऑन हो गया। सो इसका डिस्प्ले अगर आप देख रहे हो, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिस्प्ले। इतना अच्छा डिस्प्ले मैंने अभी तक सच में नोटिस नहीं किया है, एकदम सीरियसली बता रहा हूँ। QHD डिस्प्ले, मतलब कि 2K डिस्प्ले आप इसको कह सकते हो। और शाओमी ने इसके अंदर 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है, मतलब कि मैक्सिमम HDR कंटेंट पे 1700 जा सकता है ये। लेकिन 1700 से मतलब नहीं है भाई, डिस्प्ले का ब्राइटनेस का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने आउटडोर यूज़ किया, मतलब कोविड में बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपने बालकनी से ऐसे हाथ ऐसे बढ़ा के सूरज देवता से बोला कि भाई दिख रहा है, तो दिख रहा था, तो अच्छा लगा मेरे को। और इसके डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके सुपर वॉलपेपर से। इसके अंदर भाई कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ही तगड़ा वॉलपेपर है ये वाला, देखो। तो ये वाला एमरल्ड स्क्रीन है, ये है लॉक स्क्रीन, और ये है आपका होम स्क्रीन। अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये वाला भी भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और ये वाला मार्स वाला है, देखो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। इवन कि आप इसका लैंडिंग पॉइंट में चेंज कर सकते हो कि भाई ऐसे लैंड होने वाला है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, फुल HD पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, फुल पे यूज़ करो, तगड़ा यूज़ करो। और यहाँ पे इवन की बैटरी सेव भी कर रहा है कुछ टेक्नोलॉजी लगा के अपनी, लेकिन बैटरी इसमें अच्छी खासी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे AI इमेज इंजन है इसके अंदर, सुपर रेजोल्यूशन है, मतलब कि आपके वीडियो को इन्हेंस करेगा, एक दो फ्रेम्स और कलर बूस्ट करके आपको यहाँ पे इन्हेंस करता है। और सेम इन्हेंसमेंट वाली टेक्नोलॉजी इमेज के लिए भी लगाई गई है इसके अंदर, और HDR में भी सेम आपको लगाया गया है।
तो ये सारे फीचर्स को यूज़ करके आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। रिफ्रेश रेट इसमें 120 हर्ट्ज एमोलेड है भाई। इवन कि जो इसका टच रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कलर स्कीम का आप यूज़ करके अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें छेड़ता नहीं हूँ, मेरे को ऑटो वाला सही लगता है। और यहाँ पे नीचे में आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि नोटिफिकेशन इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा लगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे ऐसे करके इफेक्ट्स आएंगे कि भाई कुछ नोटिफिकेशन आया, चेक वेक कर लो अपने हिसाब से। और सेम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हो। चाइनीज़ वेरियंट है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स लग रहे हैं मेरे को, लेकिन इंडियन वाले में पूरा पूरा ये सब रहेगा, कोई इशू नहीं होगी इसमें। सेम सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आप एक जगह पर हर चीज़ कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आइकन कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, बड़ा छोटा कर सकते हो साइज़ वाइज इसका। लॉक स्क्रीन के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप AOD को भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, अलार्म है, बहुत सारी चीज़ें यार। फिंगरप्रिंट वाला सेंसर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका काफ़ी फास्ट है, हल्का समय ज़ोर से दबाना पड़ता है लेकिन काम काफ़ी तगड़ा करता है। और एक चीज़ है कि जब ये इफेक्ट आ रहा है ना तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर है वो इफेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है यार, और वो भी बहुत ही अच्छा इस बार बनाया है, पूरा पूरा फ्लैगशिप फील है। देखो भाई मैं थक गया हूँ तारीफ़ करके, लेकिन इस फ़ोन में वो बात तो है जो तारीफ़ करने लायक है। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा इस फ़ोन का, और ये फ़ोन मैंने खुद से खरीदा है, तारीफ़ कर रहा हूँ कि भाई है अच्छा। सो डिस्प्ले काफ़ी बात हो गई, अब बात करते हैं इसके कैमरा की। सो कैमरा में नंबर्स बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद वाइड एंगल जो कि मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है, और उसके बाद 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि जूम लेंस है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो गड्ढा वाला, इसको कहते हैं पेरीस्कोप सेंसर। बेसिकली ऐसे रोशनी डालता है प्रिज्म के ऊपर, ऐसे करके कट के निकलता है, वो बहुत ज़्यादा जूम करता है। ऐसे कुछ सिंपल टेक्नोलॉजी होता है, उतना आप मत जानो, लेकिन भाई सिंपल बात है कि इसके अंदर 120x जूम है। और मैंने ट्राई किया चांद की फोटो लेने की, आप एक बार रिजल्ट देखो। सो अभी टाइम है थोड़ी सी अलग वाली टेस्टिंग करने की, तो आप देखो चांद दिख रहा है आपको, इस चांद की फ़ोटो लेंगे अभी अपने फ़ोन से। यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, ऑन कर लेते हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये 1x पे है, ये है अल्ट्रा वाइड पे, और अब करते हैं थोड़ा सा जूम। ट्राइपॉड पे रहने के बाद भी हल्का सा स्टेबल कम लग रहा है, इसमें भी टैप करता हूँ मैं, और हल्का सा मैंने एक्सपोजर कम किया है क्योंकि जूम करते हो एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाता है ये। अभी 30x जूम पे ही है, अभी और आगे लेके जाएंगे इसको, एक फ़ोटो लेते हैं इसकी, अब करते हैं 120x पे, चांद के अंदर ही गुजार दिया। सो ऐसी कुछ फ़ोटो आई, मेरे कैमरे में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इतनी अच्छी भी नहीं, 120x तक था और मैंने हल्का सा एक्सपोजर से कम किया था। तो एक्सपोजर में प्रॉब्लम आता है जब आप नाइट फोटोज़ लेते हो इससे, आपको मैं फोटोज दिखाता हूँ। और ये 68x पे था, ये 120x पे है, ये 30x है, और ये वाली लो लाइट कंडीशन में ली गई फोटो है, रात में ली थी, और मैं बस अपने PC के लिए सिंपल ऐसे GTA 5 खेला तो मैं ले लिया था। इसने तो कलर को काफ़ी अच्छा इनहेंस है, हल्का सा सैचुरेशन देता है, लेकिन फोटो अच्छी और डिटेल और डेफिनेटली एक फ्लैगशिप लेवल की फ़ोटो इसमें निकाल के देता है। इसके पोर्ट्रेट फोटोज़ की बात करते हैं, नाइट में ऐसे कैमरे को मैंने टेस्ट किया, आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है फेस को, लेकिन भाई जो क्वालिटी निकाल कर देता है, जीरो लाइटिंग कंडीशन है ऑलमोस्ट यहाँ पे, और भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकाल देता है। और ये वाला भी एक रात के टाइम की पोर्ट्रेट फोटो है, पूरा पूरा DSLR वाला ब्लर है, जो एज डिटेक्शन है वो एकदम ही ऑन पॉइंट है। जैसे आप DSLR से फोटो लेते हो ना, तो जो ब्लर आता है, जो क्रिएट होता है, वही वाला ब्लर है, क्योंकि ये वाला कैमरा टेलीफोटो लेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं, अभी आप जो देख रहे हैं ये 1x में है, मतलब नॉर्मल मोड में, इसको स्विच करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो पोर्ट्रेट मोड पे इसने हल्का सा क्रॉप कर दिया, एक दो फोटो ले लेते हैं, और अब हम लोग स्विच करते हैं वाइड एंगल पे, इतनी फोटो ले ली तो सेल्फी भी ले ही लेते हैं, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है इसमें। जो इसका शटर साउंड है वही बड़ा सेटिस्फाइंग सा यार, एकदम ही रैंडम मैंने सेल्फी ली थी भाई, और क्या क्वालिटी निकाल के दिया है, जो एक्चुअल फील है फोटो की वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैंने बहुत सारे फ़ोन ट्राई किए, लेकिन जो एक्चुअल फील है ना इसके फ़ोटोज़ की वो बहुत ही इंप्रेसिव है भाई। 70,000 की प्राइसिंग में मतलब iPhone 12 भी आता है, लेकिन iPhone 12 की सेल्फी को लेकर दिखाता हूँ आपको सेम कंडीशन पे, दोनों ही सेल्फी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। डेफिनेटली iPhone का बहुत ज़्यादा नेचुरल टोन कैप्चर करता है,
लेकिन भाई मेरे को अगर एक चूज़ करना हुआ तो शायद मैं मी 11 अल्ट्रा चूज़ करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आईफोन ख़राब है, आईफोन का बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन इसकी जो फील है मेरे को थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। और अगर मैं बात करता हूँ वाइड एंगल सेंसर की, तो वन ऑफ द बेस्ट वाइड एंगल आप इसको मान सकते हो, वन प्लस 9 प्रो के एकदम इक्वल है ये। और वन प्लस 9 प्रो का जो वाइड एंगल था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, और उसके मुकाबले ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारी फोटोज ली वाइड एंगल में, आपको दिखाता हूँ अभी। 70,000 की प्राइसिंग में विदाउट एनी डाउट ये बेस्ट पोर्ट्रेट निकालने वाला फोटो है, एकदम DSLR लेवल की फोटो आती है भाई देखो। और फोटो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्रिजर्व करके रखता है, जैसे कि ये वाली फोटो मैंने आपको आज दिन में ली थी और ये वाली फोटो मैंने आज दिन में ली थी, दोनों ही की पोर्ट्रेट फोटो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है। एज डिटेक्शन चेक करना है तो ये वाला एज को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसने बहुत ही आसानी से किया, ओवरऑल फोटो भाई बहुत ही अमेजिंग आई है। और अगर मैं HDR ऑन करके फोटोज लेता हूँ तो इसका शटर स्पीड हल्का सा स्लो हो जाता है देखो। और इसमें भी वही वन प्लस 9 प्रो वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि फोटो यहाँ पे आई लेकिन प्रोसेसिंग के बाद चेंज हो जाती है, तो थोड़ा बहुत इश्यूज हैं डेफिनेटली भाई, लेकिन आप उसको ऐसे साइड कर सकते हो क्योंकि एक्चुअल जो काम कर रहा है कैमरा वो अच्छा काम कर रहा है। जो इसका स्विच है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कैमरा डेफिनेटली कभी कभी लैग करता है। और आपको मालूम ही होगा इसके अंदर डुअल डिस्प्ले है, ये वाला मी बैंड 5 वाला डिस्प्ले, तो फोटोज लेते टाइम यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाएगा जो आपको यहाँ पे कैमरे में दिख रहा है। तो ये चीज़ वीडियो के अंदर काम नहीं करती है, जिसके मेरे को मैं वीडियो पे स्विच करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो ये उतना तगड़ा नहीं लगा मेरे को, लेकिन अपडेट के बाद ऐसा बोला गया कि वीडियो का भी ऑप्शन डाल देंगे, तो इसका मतलब ये कि आप आराम से ऐसे करके व्लॉगिंग कर सकते हो, हेलो गाइस मेरा नाम है शाकिब, क्योंकि आपको सब चीज़ यहाँ पे दिखता रहेगा। तो ये चीज़ भाई बड़ा ही तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैमरे में यहाँ पे एक टिल्ट स्क्रीन होता है, तो जब भी मैं रिकॉर्ड कुछ करता हूँ तो मुझको दिखता था कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो वही चीज़ का यहाँ पे ये गैप फिल कर देगा, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए कितना तगड़ा हो जाएगा। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद कैमरे का इसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, और अभी मैंने लिटरली 10 से 12 मिनट यूज़ किया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग आ रही है, कैमरा ही पूरा हीट हो रहा है, यहाँ पे पूरा हीट है, ऑलमोस्ट 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन जितना भी हीट होता हो कैमरा इसका चलता रहता है, खटाक खटाक फोटो क्लिक करता रहता है आपकी, तो कोई इशू नहीं है मेरे को भाई, जितना हीट होना है हो जा, बस कैमरा बंद मत कर। और वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे 4K और 8K तक का रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं 4K तक कोई मानूंगा, 1080p आपको 60fps भी बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड करता है, तो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैक्रो ये सब है जो कि भाई पुराना फीचर्स है। वैसे MIUI का मुझे मूवी इफेक्ट काफ़ी तगड़ा लगता है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे फ़ोन में मिलता है। और यहाँ पे एक है क्लोन मोड, ये भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको एक बार लेके दिखाते हैं। थोड़ा सा जगह का अभाव था इसीलिए हम लोग ने अपना क्रीपी फोटो निकाल लिया, लेकिन भाई इसको यूज़ करके आप बहुत ही तगड़े फोटोज निकाल सकते हो, फोटो कैसी भी हो क्वालिटी अच्छी आई है। कैमरे के लिए इतना ही था, बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की और बैटरी की। ये मोबाइल की टेस्टिंग करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, बस 1% बची है। यहाँ पे इसका 67 वाट वाला चार्जर कनेक्ट कर दिया है हम लोग ने, और चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है पूरा एकदम, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है मी टर्बो चार्जर लिखा हुआ है। वैसे Xiaomi ने यहाँ पे एनिमेशन कोड किए हुए हैं इसके रियर डिस्प्ले के लिए, लेकिन मुझे ऐसे एनिमेशन देखने को नहीं मिले, शायद से अभी अपडेट के बाद आएगा। बैटरी हुई है अभी 21%, 10 मिनट में 20% चार्ज करना बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल के हिसाब से, और Xiaomi ने क्लेम किया कि 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसका एक कंपैरिजन करेंगे Xiaomi 67 वॉट वर्सेस Realme 65 वॉट, देखते हैं कौन कितना एक्यूरेट है किसी और वीडियो में। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, उससे पहले इसका स्पीकर सुनाता हूं आपको, तो मैं जितने भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स उनको पता है कौन सा गाना बजने वाला है, जो ऐड है कर दिया यार। वैसे इस फोन के अंदर हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं, डुअल स्पीकर ऊपर और नीचे, मेरे पास यहाँ पे आईफोन 12 है, आप सभी को मालूम होगा, हर वीडियो में बताता हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं, आईफोन के स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर माने जाते हैं, इसमें डुअल स्पीकर होता है। आईफोन की स्पीकर्स क्वालिटी बेस्ट होते हैं, लेकिन इसका स्पीकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा,
ज़्यादा वेल डिफाइंड है। इसका जो भाई बीट है और जो ट्यून किया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बीट बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर। स्पीकर भी थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है और अच्छा खासा सराउंड साउंड इफेक्ट देता है ये फ़ोन में। दम तो है Xiaomi ने भाई, बुरा जी जान लगा के बनाया है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 है, एंड्रॉयड का बेस्ट प्रोसेसर अभी जो अवेलेबल है। 5G फ़ोन है ये, ऊपर से इसके अंदर LPDDR5 रैम है जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट रैम है। तो यहाँ पे इसका जो फास्टनेस और स्मूथनेस है वो दिखता है, लेकिन Xiaomi के MIUI 12 की वजह से इसमें हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे HDR ऑन करने के बाद कैमरा लैग करने लग जाता है, रात में जब आप फोटो लोगे तो कैमरा का शटर स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगा, फ़ोन हीट भी जल्दी हो जाता है, कभी कभी नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल करने में भी हल्का सा लैग आता है। तो ये सब चीज़ थोड़ी मोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे हेडक या परेशान करने वाली चीज़ें नहीं है। ये हल्का फुल्का फिक्स होता रहेगा ओवर द टाइम। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ MIUI 12.5 की, तो हल्का सा ज़्यादा क्लीन और स्मूथ हो गया है ये। लेकिन MIUI 12 को यूज़ करने के बाद हल्की सी फ्लैगशिप वाली जो फील होती है वो कम हो जाती है इस फ़ोन की, और यही एक सबसे बड़ा कौन है जो कि बहुत लोगों को बोला है कि भाई मैं 17,000 का Xiaomi का फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। देखो, मैं अगर अपना एकदम फ्रैंक ओपिनियन दूँ तो MIUI 12.5 तो फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन इस फ़ोन का जो कैमरा है, परफॉर्मेंस है, फील है, एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली 70,000 वाली बात रखता है। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली OnePlus 9 Pro रिव्यू किया है, एक फ्लैगशिप फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, और मुझे मालूम है भाई कि एक्सपीरियंस क्या होता है फ्लैगशिप फ़ोन का, और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मुझे लेना हो एक फ़ोन जो 70,000 रुपये का है, तो शायद से मैं OnePlus 9 नहीं लेके ये फ़ोन लूँगा, क्योंकि भाई UI में जो एक्सपीरियंस है वो मैं ढाल लूँगा अपने आप को, लेकिन मुझे बेटर कैमरा, बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करेगा। अब बात करते हैं गेमिंग की, और गेमिंग के लिए इस वीडियो में जगह नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 है और कोई भी इशू नहीं आएगा। प्रीवियसली हम उन्होंने 10 बार खेल चुके हैं भाई, लेकिन डायरेक्ट इसका पबजी रिव्यू करेंगे। पबजी वाला रिव्यू आप जाके वीडियो देख लो, स्पेशल वीडियो है वो, पूरा पबजी और परफॉर्मेंस रहेगा उसके अंदर। और अभी जो मैंने इनिशियली खेला है इसके अंदर लैग वैग नहीं आता है भाई, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे चलता है हर चीज़। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो मेरा दिल टू दिल बात था, ज़्यादा मैं स्पेसिफिकेशन घुसाता नहीं हूँ, एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, आपका एक दिमाग बन गया होगा भाई आपको लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन था। वैसे मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया थोड़ा सा, कि वाइड एंगल जो कैमरा है इसका वो उतना ही तगड़ा नहीं है, OnePlus 9 Pro का थोड़ा ज़्यादा बेटर है। ये मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी जस्ट अपने PC में कंपैरिजन मारा, तो OnePlus 9 Pro का वाइड एंगल कैमरा तगड़ा था, लेकिन जो मेन कैमरा है, ओवरऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो इसका मच बेटर है, क्योंकि इसके अंदर पोर्ट्रेट जो है वो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर और तगड़े आते हैं, और नाइट फोटोज़ भी ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो बस भाई, मेरे हिसाब से अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, मुझको बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में और इस मोबाइल को टेस्ट करने में। डेफिनेटली भाई, इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ अगले 2-3 दिन, और आपको 2-3 और वीडियो इसके ऊपर मिल जाएंगी जब तक ये फ़ोन मेरे पास है। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। भाई यहाँ तक देखा, सब्सक्राइब करके जाना यार।